आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज है 5.1। पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट अगर n देखा जाए, मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं वो 8 है, 8 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ये 8 हो गए। तो ये एक फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, 2x4 कह सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? ध्यान रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स अगर वो n बाय m ऑर्डर की है, अगर वो n बाय m ऑर्डर की है तो n और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर क्योंकि 8 एलिमेंट्स बताए गए हैं तो 8 किस किस को मल्टीप्लाई करके आते हैं ये आपको देखना है, बस वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 1 × 8 ये भी 8 होगा, 8 × 1 ये अलग अलग ऑर्डर है दोनों, ये भी 8 होगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 × 4 ये तो है ही 8। इस तरीके से 4/2 भी आपका 8 होगा। और कुछ हो सकता है जो 8 लाने के लिए है? नहीं। तो ये सारे जो है इसके ऑर्डर्स हो गए या डायमेंशन हो गए। इसी तरीके से आपके 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स, पहली चीज तो ये है कि 5 एलिमेंट मैट्रिक्स में आप रखेंगे कैसे, है ना? तो ये अगर आप इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें रो और कॉलम हो तो ये ऑड नंबर्स है, मतलब 5 ही ऑड नंबर। तो इसके लिए आप या तो आपके पास रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा, बस इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इसलिए 5 कैसे आएगा? 5 आएगा आपका 5 × 1 से या फिर 1 × 5 से। तो ये इसके ऑर्डर हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 1 × 5, 5 × 1, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इसके। ऑर्डर और डायमेंशन एक ही बात होती है, वो होता है n बाय m, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, r × c, रो का नंबर और कॉलम का नंबर। इफ a ये है, b ये है, तो आपको a22 और b21 को ऐड करना है, और a11 b11 और a22 b22 करना है। पहले तो पहले क्या करते हैं कि आपको इससे एक और अच्छी चीज समझ में आ जाएगी, पहले मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप इसको लिखना चाहें कहीं तो। तो यहां मैं क्या करूंगा कि हम इसको नंबरिंग कर देंगे। जैसे ये 2 है, 3 है, -5 है, और यहां पर है 1, 4, 9, ये 0, 7, -2। दूसरा वाला जो है आपका बी, उसको यहां लिख देते हैं 2, -1, -3, 4, 1, 2। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए आई जे से, तो इसका मतलब होता है आई होता है रो नंबर, जे होता है कॉलम नंबर, ध्यान रहेगा। अब मैं जरा इसका नंबरिंग कर देता हूं। ये जो है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये आपका लिख देते हैं यहां पर, या इसको 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, इस तरीके से ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 1, 2। तो ये A11 हो गया, इसका इंटरसेक्शन देखना है आपको, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। तो ये कितना हो गया A12, ये हो गया आपका A13। इसी तरीके से A21, A22, A23। इसी तरीके से A, पहले ये लिखना है A31, A32, A33। क्लियर हो गया? अब यहां पर आ जाते हैं, ये कितना है A11, ये है A12, ये है A21, ये A22, और ये A31, A32, ठीक है। अब सीधा इस पे आ जाइए, A22 क्या है, बस उठा लीजिए यहां से, A22 4 है, पहला कर रहे हो 4, प्लस B21 क्या है, ये B है सारे, नहीं ये सारे B है, क्योंकि ये मैंने A से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन में B दिया हुआ है इसलिए मैं इसको B कर दे रहा हूं। B21 क्या है, -3, बस 4 − 3 कर दीजिए, आपका 1 आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड पे आ जाइए, सेकंड क्या कहता है, A11 B11 को मल्टीप्लाई करिए, तो A11 और B11 इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस
A22 देख लीजिए, A22 4 है ही, और B22 क्या है, ये भी 4 है, 2 2s 4, ये 4 4s 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, ये इसका उत्तर आ गया। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, लेट R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ ए, C2 डिनोट इट्स सेकेंड कॉलम, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। चलिए इसको मैं बताता हूं आपको, पहले बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन समझिएगा। ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, तो एक मैट्रिक्स है आपकी जिसको हम ए कह रहे हैं और ये 3x4 है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर R1 बताता है आपको पहला रो, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, क्योंकि क्यों मैंने किया, क्योंकि 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है। अगर R1 आपको पहला रो डिनोट कर रहा है और C2 आपको डिनोट कर रहा है सेकंड कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम हो गया, देन डिटरमाइन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2, R1 एंड C2, तो ये R1 हो गया और ये C2 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक ये ऑर्डर हो गया R1 का, ठीक है, ये पूरा R1 यहां से यहां तक, तो मैं केवल R1 को उठाना है, तो R1 को अगर मैं उठाता हूं तो इसमें क्या आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी कि 4 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आएंगे यहां, है ना, एलिमेंट बताए नहीं गए हैं लेकिन हम मान के चलते क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। तो रो और कॉलम इसका मल्टीप्लीकेशन होता, कितने रो हैं, 1 रो, कॉलम कितने हैं इसमें, 4, 1 2 3 4, तो R1 का यही पूछा गया इसमें, R1 का ऑर्डर ये हो गया। अब कॉलम 2 पे आइए, कॉलम 2 को कैसे लिखेंगे, कॉलम 2 ये वाला हो रहा है यहां से यहां तक, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है, एक R1 का होगा जो यहां पर है, एक R2 का होगा, एक R3 का होगा, यहां पर हम मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, एलिमेंट हमें पता नहीं है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई, इसका कितना हुआ, इसमें 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो 3x1 हो गया, ठीक है, इसीलिए R1 1x4, C2 3x1। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे हुज ए आई जे इज गिवन बाय। अब आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स में जो ए आई जे होता है, पहले ये समझ लीजिए, ए आई जे में आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब इनको लेके 4 इसमें पार्ट दिए हुए हैं, 2/3 मतलब 2x3 इसका ऑर्डर है या डायमेंशन है, वो मैट्रिक्स बनाना है आपको, ओके, तो एक एक करके इसको बनाया जाए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनेगा, तो देख लीजिए अच्छे से, एक एक करके इसको बना देंगे। पहला देखिएगा, इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा आराम से कर लेंगे। पहला बना देता हूं मैं, ए आई जे है आई इंटू जे, तो आपका 2x3 मैट्रिक्स यहां लिख देता हूं मैं, पहले यहां कर देते हैं 2x3 मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है जी, 2 रो आएगी इसमें और 3 कॉलम, तो ए ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो मैंने दिया है ये 1 1 यही लिख दीजिए जहां इंटरसेक्शन है, 1 2, A 1 2, पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, A 1 3, ये कितना हो गया, A 2 1, A 2 2, A 2 3। अब पहला देखिएगा ध्यान से, यहां कहा गया है I क्रॉस J, मतलब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये I और J है ना, इनका मल्टीप्लाई करके यहां रख देना है, कहने का मतलब देखिए ये है 1 into 1, ये 1 हो गया, ये 1 into 2, 2 हो गया, ये 1 into 3, 3 हो गया, ये 2 into 1, 2 हो गया, ये 2 into 2, 4 हो गया, ये 2 into 3, 6 हो गया, क्लियर हो गया, ये कैसे आया। इसी तरीके से दूसरा करेंगे 2i-j, तो 2i-j में मैं ऐसे बना देता हूं आपका 2i-j, पहला समझ लीजिए हमको a11 करना है, तो i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 2 1, 2 into 1 - j, इस तरीके से 2 into i, यहां पर i कितना है 1, माइनस j कितना है 2, 2ij, 2 into i, i यहां पर कितना है 1 और ये कितना है j, 3, यहां 2i, i कितना है 2, j कितना है 1, 2 into ये i है यहां पर 2, j है 2,
इंटू टू माइनस टू ए आई, टू इंटू आई मतलब टू माइनस थ्री, बस इसको कंप्यूट कर लेना है। ये कितना आएगा आपका, टू माइनस वन वन हो गया, ये टू माइनस टू कितना हो गया आपका, टू माइनस टू आपका हो गया टू, टू माइनस टू आपका जीरो हो गया, टू माइनस थ्री माइनस वन हो गया, और टू टू फोर माइनस वन हो गया आपका थ्री, और टू टू फोर ये टू हो गया, टू टू फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है जी। ये जो पहली मैट्रिक्स है ये जो यहाँ दिख रही है वो ये वाली मैट्रिक्स है, जो अगली मैट्रिक्स है वो ये आएगी, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दी है। आई प्लस जे, आई प्लस जे वाली बना देते हैं, सीधा इसमें ऐड कर देना है आई प्लस जे, यही बना देता हूँ मैं, चारों पार्ट एक साथ कर रहा हूँ मैं, इसलिए आई प्लस जे, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस थ्री फोर, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस टू फोर, टू प्लस थ्री फाइव, ये आपकी हो गई। नेक्स्ट वाली है आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय टू, क्या करना है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय टू, यहां बना देते हैं इसको आई प्लस जे होल स्क्वायर, वन प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू, ये होगा वन प्लस टू होल स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री होल स्क्वायर बाय टू, ये होगा टू प्लस वन होल स्क्वायर बाय टू, ये होगा टू प्लस टू होल स्क्वायर बाय टू, टू प्लस थ्री होल स्क्वायर बाय टू। अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं, ये वन, ये टू स्क्वायर बाय टू आपका ये टू हो गया, ठीक है, ये हो गया थ्री प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री स्क्वायर बाय टू नाइन बाय टू हो गया, ये हो गया थ्री प्लस वन फोर, और फोर स्क्वायर सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन आ गया, यहाँ क्या गया टू प्लस वन होल स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर, ये तो आपका ये भी नाइन बाय एट आएगा क्योंकि ये और ये सेम है, टू प्लस टू ये भी आपका एट आ जाएगा क्योंकि ये इसकी तरह है, और टू प्लस थ्री फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव बाई टू, तो ट्वेंटी फाइव बाई टू ये आ गया आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट टू बाई टू मैट्रिक्स ए आई जे हुज ए आई जे आर गिवन बाय। अब इसमें जो हम कर चुके हैं वो हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमें, जो नए हमें दिख रहे हैं या थोड़े अलग से दिख रहे हैं उनको हम करेंगे, क्लियर। मैं आपको दिखा देता हूं आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय टू, तो अभी भी हमने किया, जस्ट अभी क्वेश्चन किया, तो ये तो आप कर लेंगे। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वाला है आई माइनस जे होल स्क्वायर बाय टू, ये भी आप कर लेंगे, आई होपफुली आप ये कर लेंगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। देखिए ये सीबीएसई 2002 और ये सीबीएसई 2002, आई माइनस टू जे टू आई प्लस जे, ये एकदम एक जैसे, तो हम इनमें से एक कर लेते हैं, इन दोनों में से भी हम एक कर लेंगे, तो हम ये थर्ड वाला कर लेते हैं। तो थर्ड कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूं, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं तो थर्ड कर लेते हैं। थर्ड कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया टू बाई टू मैट्रिक्स है, टू बाई टू मैट्रिक्स का मतलब क्या है, दो रोज है इसमें और दो कॉलम है इसमें, तो क्या आएगा आपका ए वन वन ए वन टू और ये ए टू वन ए टू टू। अब यहां पर हम करेंगे कंप्यूटेशन, ध्यान से देखिएगा आई माइनस टू जे है ये, तो आई माइनस ये आई है और ये जे है, सब में यही करेंगे, तो वन माइनस टू इंटू वन स्क्वायर बाय टू, ये हो गया। यहां क्या आएगा, इसमें भी यही करेंगे, ये आई है जे है, तो वन माइनस टू इंटू टू होल स्क्वायर बाय टू, ये क्या आएगा वन माइनस टू इंटू वन, टू माइनस टू इंटू वन होल स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा टू माइनस टू इंटू टू मतलब आई है ना, ये आई है ये और ये टू जे है, तो ये जे है होल स्क्वायर बाय टू, ये कितना हो गया वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया वन, वन बाय टू हो गया, ये कितना हो गया वन माइनस टू टू फोर, वन माइनस फोर कितना हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया नाइन, नाइन बाय टू हो गया, ये हो गया टू माइनस टू यानी कि जीरो, ये तो खैर जीरो ही हो गया, टू माइनस फोर टू टू फोर है ना, टू माइनस फोर हो गया माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया आपका फोर, और टू टू फोर
ये इसका उत्तर आ गया। ये वाला आप कर लेंगे, सामने इसका सॉल्यूशन भी है, इसको ये बिल्कुल एक जैसे हैं इसीलिए। अब ये वाला और ये दो दो वाला एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, तो हम इनमें से एक कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये वाला कर लेते हैं 2i-3j, बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपका आई और जे जब आप रख देंगे फिर मॉड्यूलस लेना है, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, जो भी कोई वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बस इतना करना है। तो हम बना लेते हैं 2/2 वैसे जैसे हमने अभी किया था, a11 a ये 1 2 फर्स्ट, ये भी दो रो दो कॉलम हो गया, a11 a12 ये a21 ये a22 यहां पर आ जाते हैं। देखिए 2i-3j इसके लिए क्या है, ये आई ए है, ये जे ए है, इसे समझिए। अगर आई जे समझ गए आप तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। ये आई है, ये जे है, इसमें भी ये आई है, जे है, इस तरीके से सब में ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे, 2i-3j 2 into i यानी कि 1-3 into j यानी कि 3 into 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस लगा दीजिए, ऐसे यहां मॉड्यूलस लगाइए, 2 into i या 2 into 1-3 into 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसी 2 into 2i-3 into j 1 ऐसे यहां पर 2 into 2-3 into j। ओके, ये कितना हुआ 2-3, 2-3 होता है -1, लेकिन इसका मॉड्यूलस है तो 1/2 आ जाएगा। ये 2-6 कितना होता है -4, लेकिन -4 का मॉड्यूलस 4, 4/2 कितना होता है 2, 2 2 4, 4-3 कितना होगा, ये तो 1 ही होगा, 1/2 हो गया। ये हो गया 4-6 यानी कि -2 का मॉड्यूलस होगा 2 2 डिवाइड बाई 2 1, ये हो गया इसका उत्तर। क्लियर, ये भी कर लेंगे आप, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका है यहां पर जो 6 वाला है, उसको जरा एक बार देख लीजिए कैसे हुआ ये। ओके, अब इसमें एक 7th पार्ट भी है, उसको मैं आपको बता देता हूं अलग से। 7th जो है वो है aij=e^2i(x)sin(xj), तो इसमें कंप्यूटेशन आपको मतलब साइन वाइन का नहीं करना, ये का नहीं करना, बस वैल्यू रख देनी है। तो इसमें भी यही करेंगे हम, क्या करना है, आई और जे को इस जगह पर रख देना है आपको। तो मैं आप एक काम करते हैं, हम इसको यू बनाते हैं, 1 2 ये 1 2 2/2 है, तो ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, a22 है, तो a11, अब देखिए ये आई है, ये जे है, तो ए यही पे इसको बना देंगे। a11 कितना हुआ, aij e^2, देखिए हमको करना क्या है, e^2ix है sin(xj), तो i यहां रख दीजिए, j को यहां रख दीजिए बस, तो e^2i कितना है 1, sin(xj) कितना है 1, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। a12 e^2, ये इसमें i 1 है तो यहां पर 2x ही आएगा, साइन जे कितना है आपका 2, जे 2 है यहां रख दीजिए, 2 जे 2 आपका 2x। अब ए ये वाला 2 1 कर रहे हैं, यहां पर आपका i की जगह 2 आएगा, तो e^2 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4x साइन ये कितना है 1, तो यहां पर x आएगा। a22 e^2 कितना हो गया, ये यहां पर 2 है तो ये 2 2 4x साइन, यहां पर आपका 2 रखेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे आ गए, अब इस जगह पर रख दीजिए इनको, मैं इनकी जगह रख रहा हूं, ये आपका क्या हो गया e^2x sin(x), a12 हो गया आपका e^2x sin(2x), ये आप अगला ये आएगा e^4x sin(x), और ये लास्ट वाला है e^4x sin(2x), ठीक है साहब, ये हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 4-5 पार्ट हैं, तो इसको हम अगली बार देखेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।